पहुंचो, सब प्रस्तुत, एवरीबॉडी, आप सब विद्यार्थी हो ना, आप में से अगर एक बच्चा, वन स्टूडेंट, वन विद्यार्थी, बच्चे विद्यार्थी रे अर्थ कही दबो मुकसी और क्लास आगुक ने वन जोड़े के बाद वो गुण कर्तव्य चरित्र बचने में खाली विद्यार्थी शब्द अर्थ बचने डोंट टॉक, आप बात नहीं करोगे। अब सीधा मेरे को देखो, मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। एवरीबडी लुक एट मी, गर्ल्स अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो आप मत बैठो। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, सुनोगे? सत्य सुन लो, सत्य। आपके घर में कोई टेक्नीशियन, कोई लेबर काम के लिए आता है कि नहीं? एक घंटा दो घंटा काम करता है कि नहीं? करने के बाद पापा मम्मी से बोलता है मुझे आउची कोई कि नहीं? पापा मम्मी कौन कहते कितने पैसा पहुंचा रहे कि नहीं? ना सर पहुंचा, कौन पहुंचा रहे कि नहीं? आप उसको ऐसे बोल नहीं सकते कि जा, आप उसे पूछोगे कितना हुआ भाई, इज्जत के साथ। सेम सवाल मैं आप सभी से कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल दिमाग में बिठा। आप सब यहां सुंदर कपड़े पहनकर, अच्छा घूमकर, जिसको जैसे सजना पसंद है सजकर रोज विद्यालय आते हो, यहां आराम से बैठते हो। क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन आप पढ़ने आते हो, ये सच है? सच है? सच है। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको विद्यार्थी का मतलब पता होना चाहिए या नहीं चाहिए? तो अभी आप किसी ने भी जवाब नहीं दिया, मीनिंग ऑफ विद्यार्थी। अभी कैलकुलेशन बताता हूं, ध्यान से सुनो, गणित सुनो मेरे से, गणित। आप क्लास वन में स्कूल आए, राइट? मैं आज आपके सम्मुख जो भी प्रस्तुत करूंगा वो सारा सत्य और तथ्य पर आधारित होगा, क्योंकि ना एक विद्यार्थी झूठ को एक्सेप्ट नहीं करता है। सी और ही हैज सम बेसिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? आपके पास उतना तो नॉलेज है, अच्छा बात और बुरी बात को आप समझ पाओ, है कि नहीं? मैं आपकी समझ जो भी प्रस्तुत करूंगा वो सारा तथ्य और सत्य के ऊपर आधारित होगा। इसीलिए ये सत्य भी आप जान लो और दिमाग में बिठा लो, ये गणित को भी आप समझ लो। आप क्लास वन में यहां आए, राइट? और कौन सा साल हो गया? दस, जो दसवीं पढ़ रहे हो, 10 साल होगा कि नहीं उन लोगों के लिए? 10 साल तक आप काउंट करो, साल में कितना दिन स्कूल आते हो आपको पता है? आप किसी को पता है? कोई बच्चा बोल पाएगा कि आप विद्यालय में कितना दिन स्कूल करते हो? एनीबडी? आप सोच लो आप कितना स्मार्ट हो, पढ़ाई आप करते हो, मैं नहीं करता हूं, मेरा तो खत्म हो गया। आप विद्यालय आते हो, आपको टॉप करना है, आपको A+ करना है, तो आपको पता नहीं है आप स्कूल में कितना दिन पढ़ते हो? अगर यही सवाल कलेक्टर आते आज स्कूल में, बोलते बेटा आप स्कूल में हो, आप स्कूल कितने दिन आते हो? आई डोंट नो सर। व्हाट यू नो सर? मैं बताता हूं, आपकी स्कूल साल में 220 दिन खुला रहता है, कितना? तो आप 220 दिन खुले में स्कूल आते हो, एक दिन में आप 6 घंटा पढ़ने आते हो, कितना? 6 घंटा एक दिन इंटू 30, महीना का 30 दिन इंटू 12 महीने। अगर काउंट करोगे ये सारा 10 साल तक काउंट करोगे तो आप अभी तक
13,000 घंटे विद्यालय में बिता चुके हो। कितना हजार घंटे? अगर आप विद्यालय नहीं आते, आपकी जैसे कुछ बच्चे हैं विद्यालय नहीं आते हैं, वो गैरेज में, किसी दूसरे यहां खेत में कहीं तो काम करते हैं कि नहीं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं, राइट। आप 13,000 घंटे विद्यालय में बिता चुके हो, वहां 6 घंटे के लिए कोई काम करने हमारे घर आए, अगर 6 घंटे का वैल्यू यानी मजदूरी हम उनको नहीं देने के लिए बोलेंगे तो उससे हमारा झगड़ा हो जाता है। क्या आप अपने 13,000 घंटे की मजदूरी लोगे या छोड़ दोगे? लेना है या छोड़ देना है? लेना है या छोड़ देना है? तो बता दो मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद्यार्थी? ध्यान से मेरी बात सुन लो, ध्यान से, एकदम लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो, बात पता चलेगा। ये सत्य है, कभी कभी जब हम बीमार होते हैं ना, हमें दवाई खाना पड़ता है, राइट? दवाई मीठी होती है? नहीं, फिर भी खाना पड़ता है, पड़ता है कि नहीं? क्योंकि उसको खाने से हम स्वस्थ होते हैं। और मैं आपको जो बता रहा हूं ये भी दवाई है, क्योंकि ना आप अभी बीमार हो, इन द सेंस आप जिस काम के लिए आते हो उस काम की नॉलेज आपके पास में नहीं। आप विद्यालय पढ़ने आते हो, पढ़ाई करने के लिए आते हो, लेकिन जो पहला शब्द होता है विद्यार्थी, उसी का अर्थ आपको मालूम नहीं है। तो आप क्या पढ़ते होंगे ये आप जानते हो। आप रट्टा मार के 500 से ज्यादा स्कोर कर लोगे मार्क, तो सिर्फ मार्क रहेगा। अगर कोई 500 बेस्ट रन किया हुआ बच्चा सामने खड़ा है, कलेक्टर की इंटरव्यू के लिए गया, उसे पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद्यार्थी, वो सिंपली बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो। वो इंटरव्यू जो करते हैं वो लोग क्या बोलेंगे पता है आपको? आपने सारे टप करके गए, बोलेंगे दिस डोर ओपन दिस साइड प्लीज गो आउटसाइड, ऐसे ही आपको रास्ता दिखा देंगे। सत्य सुना आप सब? सुना आप सबने सत्य? यही मैं सिखाने स्कूल में जाता हूं, यही पूछता हूं आपसे, आप 13,000 घंटे की मजदूरी छोड़ दोगे? बाहर से विद्यार्थी दिखना और बाहर अंदर से विद्यार्थी होना दोनों बहुत अलग बात होता है। अगर मैं आपसे पूछूं आप विद्यार्थी हो या बने हो, मैं अगर आप सभी से पूछूं बेटा आप विद्यार्थी हो या बने हो, क्या बोलोगे आप जवाब में? क्या बोलोगे? विद्यार्थी हो या बने हो? अच्छा, कुछ बोलते हो बने हो, कुछ बोलते हो। मैं आपको एक क्लियर करा देता हूं, एक छोटी सी कहानी सुना के। मैं बोलता हूं ना, मैं खाली कहानियां सुनाता हूं आपको, ध्यान से मेरी आंखों में देखो, अच्छा से ये कहानी सुनो। एक साधु महाराज को राज दरबार से बुलावा आया, साधु जी आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, महाराज आपसे संतुष्ट है, आपको उपहार देना चाहते हैं, आप राज दरबार में आइए। साधु महाराज मन में चिंता आया, मैं तो साधु हूं, धन उपहार मेरा क्या होगा, साधु का तो घर भी नहीं होता, स्वर्ण लाएगा धन लाएगा तो रखेगा कहां, वो तो उसका कुछ कुटीर होता है या पेड़ के नीचे अपना गुजारा करता है। उसने मन में सोचा अगर महाराज मुझे उपहार दे रहे हैं तो ये किसी के काम आना चाहिए। तो साधु महाराज राज दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते एक बंदे को देखे जो खेती कर रहा था, उससे बोले बेटा तुझे धन चाहिए, उपहार चाहिए राजा से? बोला हाँ, क्यों नहीं चाहिए, चाहिए मुझको, धन तो सबको भी चाहिए ना। उसने बोला हाँ मुझे चाहिए। तो साधु महाराज बोले आपको ऐसे नहीं मिलेगा धन, आपको थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा। वो बोले बोलिए महाराज, साधु जी क्या काम करूं? साधु महाराज बोले तुझे मेरा किरदार करना पड़ेगा, मैं तेरा किरदार पड़ेगा।
करूंगा, यानी तू साधु बनेगा, मैं किसान बनूंगा, तब जाके तुझे उपहार मिलेगा। तो वो खेती करने वाला किसान बोला, माफ कीजिए महाराज, मेरे से नहीं होगा। तो साधु महाराज बोले, डर मत, डर मत, तुझे सिर्फ साधु बनना है। क्या है? साधु होना नहीं है, साधु बनने के लिए लिबास का जरूरत होता है, होने के लिए संकल्प का जरूरत होता है। बनने के लिए लिबास का जरूरत होता है, कस्ट्यूम का जरूरत है, कपड़े की जरूरत होता है, और होने के लिए संकल्प की जरूरत होता है, अनुशासन की जरूरत होता है, धैर्य का जरूरत होता है, कठोर निष्ठा पुरुषार्थ की जरूरत होता है। जो साधु बनता है वो पूरे जीवन भाग कर खाता है। उसने संकल्प लिया, मैं संचय नहीं करूंगा, मेरा घर नहीं होगा, मेरा परिवार नहीं होगा, मेरा समस्त ज्ञान समाज की सेवा में समर्पित होगा, मैं हर किसी के यहां जाऊंगा, उसे ज्ञान दूंगा और भिक्षा मांगकर अपना पेट पालूंगा। तो सब किस बात बस में नहीं होता है साधु होना, लेकिन साधु बन सकता है। किसी ने लकुट मकुट लगाया, ऐसा पहना, तिलक किया, नकली दाढ़ी लगाया, कुछ लगाया, साधु बन गया, राइट? होने के लिए तप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तप मतलब तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, अनुशासन से, संकल्प से, निष्ठा से, पुरुषार्थ से जलना पड़ता है खुद को। विद्यार्थी भी वैसे होता है। विद्यार्थी बनना आसान है, जो आप सब पहनकर बैठे हो, बाहर से जाओगे कोई भी आपको देखेगा तो विद्यार्थी बोलेगा, लेकिन क्या आप खुद को विद्यार्थी बोलते हो? अगर आप हो तो आप बोलोगे मैं विद्यार्थी हूं, नहीं तो आप विद्यार्थी बने हो। अभी आप सब समझ लीजिए, आप में से कौन विद्यार्थी है और कौन बना हुआ है। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको विद्यार्थी का गुण, चरित्र, कर्तव्य सब पता होना चाहिए, और विद्यार्थी का अर्थ भी पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सोच लो आप बने हुए हो, और बने हुए की भविष्य में बताता हूं। आज अभी इसी वक्त आप ध्यान करो, सुन लो, याद रखो, अच्छा से याद रखो। घर आप आज जाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं, जब घर जाना, जो भाई बहन बेकार बैठे हैं घर में, उन्हीं भाई बहन से सेम सवाल करना, भैया दीदी जो बेकार बैठे हैं और सरकार को कोसते हैं, ये सरकार हमें नौकरी नहीं देता है, ये लोग हमें इंटरव्यू में फेल कर देते, हमें काम नहीं मिलता है, उन्हीं से पूछना, भैया इतना ही बता दो, बीनिंग विद्यार्थी। उन्होंने भी, आप तो 13,000 घंटे गवा चुके हो, उन्होंने 13+5 या 7 20,000 घंटे उन्होंने विद्यालय में मस्ती करके गुजार दिया, उन्हें भी पता नहीं चला 20,000 घंटे के बाद विद्यार्थी का मतलब पता नहीं चला। एजुकेशन का मतलब तो अलग है, वो भी आपसे पूछूंगा, उनके पास भी सवाल नहीं होगा, वो आपको बोलेंगे बाद में बताऊंगा, जाने दे, गूगल कर ले, ऐसे ही बताएं क्या। इसीलिए वो आज बेकार बैठे हैं। आपके हाथ में अभी भी 7,000 घंटे बाकी है, जो 10 में हो आप सभी के पास 7,000 घंटे बाकी है। अगर आज आपने संकल्प लिया मैं विद्यार्थी बना हुआ हूं, तो कल से मैं विद्यार्थी बनूंगा, बना हुआ नहीं रहूंगा। क्या करूंगा? कल से मैं विद्यार्थी बनूंगा। अगर आज इस सेशन में आपने संकल्प लिया तो कल से विद्यार्थी बनूंगा, तो मैं आप सभी को विद्यार्थी का अर्थ बताऊंगा। नहीं, अगर आप बनना नहीं चाहते हो तो कल से विद्यालय मत आना,
खुद से धोखा मत करना, खुद को धोखा मत देना, अपने माता पिता का असम्मान मत करना। इन गुरुओं ने जो आपको 6-6 घंटा आपके पीछे पड़ते हैं, इन्हें कभी असम्मान मत करना। मम्मी पापा के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं, आप मम्मी के बारे में क्या जानते हो? जानना चाहोगे दो लाइन मेरे सपने मम्मी के बारे में? जानना चाहोगे कितना प्यार करते हो अपने मम्मी से? आप सब बोलोगे सर मैं बहुत प्यार करता हूं अपने मम्मी से। हाँ ये सत्य है, आप अपने मम्मी से प्यार करते हो, लेकिन आपको पता है आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती है? बताओगे? सुनोगे? सुनने आपको? आज से देखना मम्मी के लिए दिल में इज्जत पैदा हो जाएगा जितना भी था ना 10 गुना ज्यादा। अरे आप इतने छोटे थे, आपको ढंग से चलना भी नहीं आता था। ये मम्मी कमी कहीं कहीं आपकी अंगूठा पकड़कर बाहर टहलने ले जाती थी। अगर बाहर में कोई दोस्त मम्मी की मिल जाए ना, करीब एकदम क्लोज दोस्त, उससे भी बात करना पड़ता था मम्मी को। मम्मी का 2 आंख होती है, वो एक आंख से दोस्त से बात करती थी और एक आंख से आप पे नजर रखती थी कहीं आप गिर ना जाओ, इतनी प्यार करती आपकी मम्मी। आपकी जिद के लिए पापा से लड़ जाती है, पापा से इसको चाहिए आपको देना होगा, इतनी प्यार करती है आपकी मम्मी आपसे। मुझे पसंद नहीं, आपको क्या पसंद है वो सारा ख्याल वो रखती है, इतनी प्यार करती है आपकी मम्मी से। हमारी भारतीय संस्कृति में मैं आपको बताता हूं, जब लड़की को 21-22 साल हो जाती है उसको हम अपने घर से दूर विदा कर देते हैं, या ससुराल में या कुछ, या कोई कोई लड़कियां जब करके बाहर चली जाती है। सच बताया मैंने सच बताया लड़कियों। तो आप इतनी प्यार करने वाली मम्मी को आप जब 21 साल के बाद घर छोड़ के जाओगे तो क्या दे के जाओगे? सेम स्वभाव बोल जा आप लोगों से, क्या दे के जाओगे अपने मम्मी को? सोचा है आपने? कभी सोचा है? और मम्मी क्या चाहती है आपसे पता है? सुनोगे आपसे वो क्या चाहती है? सुनोगे? सुनना है आप सबको, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। मम्मी चाहती है आप मुस्कुराओ। क्या चाहती है मम्मी? आप मम्मी बोलती है तू मुझे कुछ मत दे के जा, तू मुस्कुरा कर जा। क्या बोलती है? अरे जो इतनी मम्मी प्यार करती है ना, आप उसे क्या दे सकते हो? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, 21 साल के बाद आप उसके साथ नहीं रहोगे, लेकिन वो आपके साथ हर वक्त रहेगी। अगर आप चाहे तो उसे अनमोल देके जा सकते हो। एक संकल्प बस लेना है आपको, मेरी मम्मी मुझे जितनी प्यार करती है 10 गुना ज्यादा उसे देकर जाओ। आप अगर मुस्कुरा दोगे ना, यही हो जाएगा उसके लिए। ध्यान से सुनो क्या देके जा सकते हो। आप सब एक तस्वीर अपने दिमाग में छुपा कर घूमते हो, खाली लड़कियां नहीं लड़के भी सारे, एक इनविजिबल तस्वीर आप सभी के दिमाग में है जो सिर्फ आप देख पाते हो, कोई दूसरा नहीं देख सकता है। उस तस्वीर को बस यहां दिमाग में छुपा कर रखे हो, उसे दीवार पे लगा देना है। जो आपकी मम्मी चाहती है, जो आपके पापा चाहते हैं, जो आपके प्रधान शिक्षक चाहते हैं, जो आपकी हर गुरु चाहता है, जो आपका हर दोस्त चाहता है, जो आपसे प्यार करते हैं वो चाहता है, क्या वो तस्वीर आप लगा दोगे जो यहां छुपा कर घूमते हो? आपको पता है आप क्या छुपा कर घूमते हो? बोल दो सबको, बोल दो। आज विद्यार्थी कल विद्यार्थी रहोगे कुछ तो बनोगे ना, बस जो बनोगे वही तस्वीर। मुझे पता नहीं आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, पायलट बनोगे, नर्स बनोगे, क्या बनोगे, कुछ तो बनोगे कि नहीं। बस यही तस्वीर आपकी मम्मी चाहती है। आप जब 21 साल के बाद घर से बाहर हो जाओ, बस ये तस्वीर उस घर में लगना चाहिए। अगर आप पायलट बन गए, आप में से कोई लड़की पायलट बन गई, सपना देखा मुझे पायलट बनना है, और उसने
पायलट बन गया, अपना तस्वीर अपने घर में लगा दिया, निकल गए। मम्मी ये तस्वीर के साथ सारी उम्र आपकी प्यार साझा करेगी। कैसे करेंगे बताओ? घर में कोई आप तो नहीं रहोगे, बस तस्वीर रहेगी आपकी, मेरी बेटी पायलट है। घर में कोई मेहमान आए पूछेगी किसकी तस्वीर है, सीना चौड़ा करेंगे बोलेगी और मुंह में मुस्कान रहेगी उसकी, मेरी लाडली है। अभी सुबह फोन की थी बैंगलोर से दिल्ली, ऊपर ऊपर से जा रही है, हवाई जहाज उड़ाती है। बस हवाई जहाज आप उड़ाओगे, पायलट आप बनोगे, खुशी मम्मी को होगी। समझते बात को? आप जाने से पहले अपने मम्मी को ये दे के जा सकते हैं। ये संभव हो सकता है सिर्फ एक बात से, एक संकल्प से। मैं विद्यार्थी नहीं बना हूं, मैं अगर नहीं हूं तो संकल्प करता हूं कल से बनूंगा। क्या करूंगा? कल से बनूंगा। आप बॉयज आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये शक्ति आप में है, बस आपको उससे खुद को परिचित करना है। अगर आप एक छोटी सी संकल्प लोगे, मैं आपको एक चीज बताऊं बॉयज, ध्यान से सुनो। आप अपने पापा से प्यार करते हो? करते हो कि नहीं? आप खुद सोच लो, पापा आंख बंद करो और बैक टू योर होम, बैक टू योर पापा, जाओ पापा के पास। मेरे पापा जो भी करते हैं इज माय हीरो, मेरे पापा जो भी करते हैं इज माय हीरो। अभी वो काम पे होंगे, आई एम राइट, आई एम राइट। वो जिस काम पे होंगे क्या वो उस काम पे लोचा करते होंगे, यानी काम पे ठगी करते होंगे? उनको पता है अगर मैं काम पे ठगी करूं, लोचा करूं, कुछ गड़बड़ करूं, मेरे हाथ में पैसा नहीं आएगा, मेरा मालिक, मेरा अनुष्ठान मुझे काम से निकाल देगा, तो मेरे घर में मेरे बेटे को, मेरे परिवार को पैसा नहीं जाएगा, मेरे परिवार परेशान होगा, मेरे लड़का ढंग से पढ़ नहीं पाएगा। अगर अपने पापा अपने काम को निष्ठा से कर रहे हैं, आप इधर विद्यार्थी बन बैठे हो, तो आप सोचो क्या आप अपने पापा से धोखा नहीं कर रहे हो? आपकी पापा आपसे प्यार करते हैं क्या? आपके पापा के लिए ये आपके समर्पण है, ये आपका डेडिकेशन है, ये आपकी अपने पापा को प्रेजेंट करना चाहते हो? भले मेरी बात आपको कष्ट, लेकिन यही सत्य है। अगर यू ट्रूली लव योर फादर, अगर आप बाय हार्ट लव योर फादर, अगर आप यहां से अपने पापा का इज्जत करना चाहते हो, तो आज आपको संकल्प लेना है कल से मैं विद्यार्थी बनूंगा, नहीं विद्यार्थी होना है मुझे। आप विद्यार्थी हो, मैं आपको सिखाऊंगा बीनिंग ऑफ विद्यार्थी। बनोगे कल से पक्का? बोर हो गए मेरे बात सुन के? इस इंस्पायर आपको ताकत दे रहा है, दे रहे सबको? यही बात मैं आप सभी से करने आते हूं। अगर आप अगर मेरी बात को आज दिल में नहीं लोगे, दिमाग में नहीं बिठाओगे, 10 साल के बाद ये आपकी बुरी आदत, ये आपकी बालपन आपको लाचार कर देगा, उन बेकार भाई बहन की तरह आपको भी बेकार बिठा देगा। अगर आप बेकार नहीं बैठना चाहते हो, तो छोटी सी संकल्प आज कर लेना, मैं विद्यार्थी बनूंगा। भले मेरे जीवन से 13,000 घंटा चला गया, फर्क नहीं पड़ता, अभी भी मेरे पास 7,000 घंटे हैं। आपको पता है ये उम्र के बारे में? आपको पता है? आप अपनी उम्र के बारे में जानते हो? बताओ, ध्यान से सुनो। ये जो उम्र है आपको विज्ञान में इसे कहते हैं ट्रांजिट पीरियड। क्या कहते हैं? ये ट्रांजिट पीरियड क्या होता है सुनोगे? अभी ना आप बच्चे हो ना बड़े हो, क्या हुआ? अभी आप छोटे से खिलौना पापा के साथ में जाते हो, कोई खिलौना है अगर आप बोलते हो पापा नहीं देते, तो आप जिद नहीं करते हो, करते हो? आप समझ जाते हो। लेकिन ये 3-4 साल का बच्चा पापा मना करेंगे तो छोड़ेगा?
वो रोएगा नीचे, गिर जाएगा, पापा चाहिए मुझे किसी भी हाल में, राइट। वो बच्चा होता है, आप बच्चे से बढ़कर समझ में आ गए हो। और इस उम्र में मैं आपको बोल दूं, कल से पापा कमाएंगे नहीं, आप अपने घर का परिवार चलाओ, क्या आप चला पाओगे? इतनी ही हिम्मत आप में नहीं है, वो उम्र भी आपका नहीं आया है। तो ये जो आपका उम्र है, ये ट्रांजिट पीरियड होता है, समझदारी के साथ जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ जाना है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? समझदारियों के साथ जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ जाना है। और जो बच्चे यही वक्त ये पीरियड को समझ जाते हैं और समझदारी से जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ जाते हैं, वो जिम्मेदार बनते हैं और जिम्मेदारियां उनको मिलती है, यानी पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारियां तो होती है, ये जो आपको आगे जाकर मिल जाए। अगर आप अभी से अपने काबिलियत का प्रेजेंटेशन करोगे, काबिलियत दिखाओ, क्लियर एवरीबॉडी? समझ गए, समझ गए? और मैं आप सभी को बता दूं, विद्यार्थी का अर्थ जाना चाहिए आपको, हाँ नहीं जानोगे तो मजदूरी 13,000 घंटे की स्वाहा। अगर आप जानोगे, प्रॉमिस करोगे, कल से बनोगे, तो ये 13,000 घंटे की वैल्यू एक इंटरव्यू में मिल जाएगा। ये जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, बाहर बैठे हैं, बदमाशी करते हैं, गैरेज में काम करते हैं, ऐसे जिंदगी भर करते रहेंगे, आप कल न जाने क्या बन जाओगे, शायद कलेक्टर बन सकते हो, शायद आईएएस बन सकते हो। अरे स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी हमारे तरह, मेरे तरह, आपकी तरह एक आम परिवार में पैदा हुए और सबसे बड़े वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति बन गए। समझे आप सब? तो वो बने, मैं क्यों नहीं बन सकता? अगर वो बने तो आप भी बन सकते हो, लेकिन आपको संकल्प करना होगा। क्या करना होगा? किसी दूसरे से नहीं, खुद से प्रवेश करना होगा। आप द बेस्ट, क्या बोलना होगा, क्या बोलना होगा, क्या बोलना होगा? क्या आप ये बोलोगे? पक्का, पक्का? ये पहली सूत्र होता है आगे बढ़ने का जीवन में। क्या बढ़ने का? आगे बढ़ने का जीवन में पहला सूत्र होता है, अगर आप ये बोलना शुरू करोगे तो सारी दुनिया आपको बोलेगा यू आर द बेस्ट। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? राइट। अगर आप शुरू करोगे बोलना आई एम द बेस्ट, तो दुनिया आपको बोलेगा यू आर द बेस्ट। अगर आप रोज मिरर देखते हो, क्यों देखते हो? मैं अच्छा दिखता हूं कि नहीं, चेक करते हो कि नहीं मिरर में? दैट अगर आप खुद को बेस्ट नहीं बोलोगे तो दुनिया खाक बोलेगा, बोलेगा आपको खाक। इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा। जब सुबह उठते हो, आंख खोला सुबह, देखो आप जिंदा हो, ईश्वर को नमन करना, धन्यवाद बोलना और एक दिन मौका देने के लिए, और बोलना आज मैं जिंदा हूं, आज मैं बेस्ट करूंगा। क्या करूंगा? आज मैं और एक दिन, मुझे पता है कल आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे, किसी को पता नहीं, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता पाएगा कल क्या होगा, लेकिन आज सुबह का सूरज मैंने देख लिया तो ये दिन मेरा है। अगर ये दिन मेरा है, इस दिन का हीरो मैं हूं, आई एम द बेस्ट। ये 100 बच्चे हैं, इनमें से आई एम द बेस्ट। आपको ये बोलना है खुद को, भले आपको कोई ना बोले, आपको खुद को बोलना है आई एम द बेस्ट। पहले सुबह उठते हो तो आई एम द बेस्ट, यानी एक सकारात्मक भाई आप अपने दिमाग में डाल दिए, मुझे आज अच्छा करना है। सुबह उठ गए, नहाया धोया, 2 घंटा चला गया, विद्यालय आने के लिए प्रस्तुत हो गए, चलो 2 घंटा आपने अच्छा से गुजार दिया, आई एम द बेस्ट, मैंने 2 घंटा अच्छा से गुजार दिया, ईश्वर आगे और 2 घंटा अच्छा से गुजर जाए, आई एम द बेस्ट। चले जाना भाई,
क्लासरूम में और 2 घंटा गुजार दिया, 2 क्लास बढ़िया याद रखा, पढ़ाई अच्छा हुआ, टीचर से बातें अच्छा हुआ, अगर ठीक हो गए 2 घंटा अच्छा चला गया, हाँ द बेस्ट, मैं अच्छा कर रहा हूँ। लास्ट तक और एक बार अच्छा किया, झगड़ा नहीं किया, बात नहीं हुआ, एवरीथिंग ओके, आई एम द बेस्ट। बस 4-5-6 बार दिन में आई एम द बेस्ट देख कर देखो, अगले साल अगर ये सारे स्टूडेंट आपको आई एम द नहीं बेस्ट नहीं बोलते तो मुझे सोम सर का बुलाना, ये मेरी बात है आप सबसे, क्योंकि आप खुद को जैसे देखोगे आप वैसे ही दिखोगे, ये प्रकृति का कमाल है। मैंने अगर नहीं सोचा होता मेरे को स्पीकर बनना है, मुझे अच्छी बात लोगों को सिखाना है, तो मैं कभी नहीं होता। मैंने अपने अंदर संकल्प लिया, मैंने 1300 सेमिनार किया, 1 भी पैसा नहीं लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं मैंने किया और मैं कर रहा हूं, मेरे संकल्प था। अगर आपने संकल्प लिया, असंभव कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी कर दो।